नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान में अभयारण्य के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के अभयारण्य में हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में। और उसमें हमने वन्य जीवों को तीन श्रेणियों में बांटा था। एक तो राष्ट्रीय अभयारण्य का बारे में बांटा था, तो राष्ट्रीय अभयारण्य हमने तीन कर लिया। राजस्थान में तीन राष्ट्रीय अभयारण्य है, उनके बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य है। फिर हमने बात की थी राजस्थान में 27 अभयारण्य स्थित है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में भी हमने ये बात की थी। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन कौन से हैं और सबसे छोटे अभयारण्य कौन कौन से। इसके बाद में हमने चर्चा की थी आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं। तो आखेट निषेध क्षेत्र हैं कितने, हमारे आखेट निषेध क्षेत्र हैं 33। तो हमने आज हम चर्चा करेंगे जो प्रस्तावित अभयारण्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने जैसे प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा कर ली है, आगे हम आज चर्चा करेंगे प्रस्तावित अभयारण्य। जैसे 27 अभयारण्य आगे और प्रस्तावित अभयारण्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला आप लिखो मछली अभयारण्य। पहला कौन सा? मछली अभयारण्य। मछली अभयारण्य, मछली अभयारण्य कहां प्रस्तावित किया गया है? आज से पूछ लिया जाए तो बड़ी तालाब उदयपुर में। कहां प्रस्तावित किया गया है? बड़ी तालाब, बड़ी तालाब उदयपुर में। ये बड़ी तालाब कहां पड़ता है? स्थान उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में। ये कहां प्रस्तावित किया गया है आपसे पूछ लिया जाए, मछलियों का अभयारण्य कहां प्रस्तावित किया गया है? तो बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित किया गया है। मैंने ये पहले भी बताया था, जैसे बांध मैंने पढ़ाए थे तो वहीं पर भी मैंने ये टॉपिक में करवाया था। मछली कुकुट पालन में भी मछली पालन जैसे मैंने टॉपिक करवाया था पशु संपदा में, तो उसी में भी मैंने बताया था कि बड़ी तालाब उदयपुर में ये मछली अभयारण्य प्रस्तावित है। और रंगीन मछलियों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिसलपुर बांध में मैंने बताया था। टोडा राय सिंह पहले टोंक में पड़ता था, वर्तमान में केकड़ी के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। एक बात करते हैं, दूसरा प्रस्तावित अभयारण्य कौन सा है? तो बालू अभयारण्य प्रस्तावित है और वो है कहां पर? मीनमाल में। दूसरा बालू अभयारण्य, बालू अभयारण्य, अभयारण्य हमारी सरकार द्वारा अभयारण्य, अभयारण्य हमारी सरकार द्वारा कहां प्रस्तावित किया गया है? तो भीनमाल में। भीनमाल में कौन सा अभयारण्य बनेगा? बालू अभयारण्य बनेगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए भीनमाल में कौन सा अभयारण्य बनेगा? तो बालू अभयारण्य बनेगा। आगे बात करते हैं गधों का अभयारण्य। गधों का अभयारण्य कहां प्रस्तावित है? हमने बात की थी डूंगलोर झुंझुनू में। ये मैंने मेलों में भी करवाया था, गधों का अभयारण्य ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है अभयारण्य। अभयारण्य गधों का अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है आपसे पूछ लिया जाए? तो डूंगलोद, डूंगलोद झुंझुनू में। डूंगलोद और डूंगलोद कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। मैंने बताया था कि गधों का मेला कहाँ पड़ता है, तो लुणियावास जयपुर में गधों का मेला का आयोजन किया जाता है। खलकाणी माता का वहां क्या है स्थित मंदिर स्थित है, और शीतला देवी का प्रमुख वहां मतलब मेले का प्रतीक किसे माना जाता है? गधों का, गधों की देवी के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। ये बात हमने पहले भी चर्चा की है। तो ये गधों का अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है? तो डूंगलोद में प्रस्तावित है। डूंगलोद कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। आगे बात करते हैं पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य के बारे में भी हमने बात कर ली है। पक्षी अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है? तो बड़ा पोल, बड़ा पोल कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तो आपसे पूछा जाए पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है? तो पक्षी अभयारण्य बड़ा पोल, बड़ा पोल, और बड़ा पोल कहाँ पे है? बड़ा पोल है हनुमानगढ़ में, हनुमान, हनुमानगढ़ में बड़ा पोल हनुमानगढ़ में। कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है? तो कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है? पक्षी अभयारण्य प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं सरफ उद्यान कहाँ प्रस्तावित है? तो सरफ उद्यान भरतपुर में प्रस्तावित है। बात करते हैं पांचवा कौन सा उद्यान? सरफ उद्यान, सरफ उद्यान कहाँ प्रस्तावित है? तो सरफ उद्यान भी कहाँ प्रस्तावित है? भरतपुर में प्रस्तावित है, भरतपुर में, भरतपुर में सरफ उद्यान प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। और आगे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से उद्यान प्रस्तावित किए गए हैं। तो गाय अभयारण्य, गाय अभयारण्य भी मैंने आपको गाय वंश पढ़ाया था, उसमें बताया था कि गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाता है, बनाया जाना प्रस्तावित है गाय अभयारण्य, अभयारण्य, गाय अभयारण्य कहाँ बनाना प्रस्तावित है? तो नापासर बीकानेर, मैंने बताया था आपको नापासर, नापासर, और नापासर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। नापासर बीकानेर में कौन सा अभयारण्य बनाया जाना प्रस्तावित है? तो आपसे पूछ लिया जाए नापासर में गाय अभयारण्य
को बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं मोर अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा। तो मोर अभयारण्य आपसे पूछ लिया जाए चट्टा कौन सा अभयारण्य, मोर अभयारण्य कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, तो मोर अभयारण्य झुंझुनू में बनाया जाना क्या है प्रस्तावित है। आपको पूछ लिया जाए मोर अभयारण्य कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, तो झुंझुनू में बनाया जाना प्रस्तावित है। ये तो थे हमारे प्रस्तावित अभयारण्य जो वर्तमान में इसका कार्य जारी है, बनाया जाना प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। देखो दोस्तों लिखो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ है, तो पहला आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर में राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो दूसरा आपसे पूछ लिया जाए दूसरा कहाँ है, तो दूसरा झालरापाटन झालावाड़ में स्पाइस साइंस पार्क, ऐसे लिखो स्पाइस साइंस पार्क कहाँ बनाया गया, जयपुर में बनाया गया। सेकंड आपसे पूछ लिया जाए तो सेकंड कहाँ पर बनाया गया, झालरापाटन झालावाड़ में। मैंने एक तो चंद्रभागा पशु मेला बताया था और झालरापाटन क्यों प्रसिद्ध है, तो घंटियों का शहर के नाम से झालरापाटन को जाना जाता है। झालरापाटन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। वसुंधरा जी का क्या है, ये निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का पहला स्पाइस साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया, जयपुर में। और सेकंड की बात करें तो सेकंड कहाँ, झालरापाटन झालावाड़ में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया। आपसे पूछ लिए थे राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया, तो जोहड़ बीड बीकानेर में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया, जोहड़ बीड कहां पड़ता है, बीकानेर में जोहड़ बीड बीकानेर में। मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी दोस्तों, ऊंट अनुसंधान केंद्र 1984 में उसकी स्थापना की गई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जोहड़ बीड में क्या स्थापित किया गया है, गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि राजस्थान में जो प्रस्तावित अभयारण्य है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है। एक तो मछली अभयारण्य प्रस्तावित है, बड़ा तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। हमने पढ़ा था रंगीन मछलियों का अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो बिसलपुर केकड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बालू अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है, तो भीनमाल में प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं गधों का अभयारण्य हमारे झुंझुनू डूंडलोद में क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पक्षी अभयारण्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पक्षी अभयारण्य बाढ़ा पोल हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, बनना प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सर्प उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है, तो भरतपुर में बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो नापासर बीकानेर में बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट हो सकता है, एक ये और एक ये पक्षियों वाला, ये दोनों क्वेश्चन प्रस्तावित है ना, ये प्रस्तावित में ये मोस्ट हो सकते हैं। मोर अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, मोर अभयारण्य झुंझुनू में बनाया जा रहा है। इसके बाद में हमने बात की थी कि राजस्थान में पहला स्पाइस साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजस्थान में पहला स्पाइस पार्क जयपुर में स्थापित किया गया है। बात करते हैं दूसरा स्पाइस पार्क झालरापाटन झालावाड़ में प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जोहड़ बीड कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। यहाँ क्या है, जोहड़ बीड बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 1984 में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम आखेट निषेध क्षेत्र, राजस्थान में कुल कितने आखेट निषेध क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, तो राजस्थान में कुल कितने आखेट निषेध क्षेत्र है, तो राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। लिखो दोस्तों
राजस्थान में कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, निषिद्ध क्षेत्र है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कुल कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं, तो 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है। लिखो दोस्तों, राजस्थान राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र तो पूछ लिया जाए तो कौन सा है, तो कोटसर रावतसर। कोटसर रावतसर कहां पड़ता है? कोटसर रावतसर चूरू में। कौन सा है? कोटसर रावतसर। रावतसर और पड़ता कहां पे है? चूरू में। आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र क्या पूछ लिया जाए? सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा कनक सागर कहां पर पड़ता है? बूंदी में। तो सबसे छोटा कौन सा है? कनक सागर, और ये कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र हो गया? तो कनक सागर बूंदी में। एक पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहां है? राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहां है? निषिद्ध क्षेत्र कहां है? तो आपसे पूछ लिया जाए सात है, कहां पर है? जोधपुर में। तो जोधपुर में क्या है? सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में कृष्णा मृग कितने हैं, मृग वन कितने हैं। तो राजस्थान में मृग वन की संख्या पूछ ली जाए, राजस्थान में मृग वन कितने हैं दोस्तों? सात है। ये वो सात कौन कौन से मृग वन है राजस्थान में, उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। राजस्थान में कितने मृग वन है? तो राजस्थान में मृग वन कितने हैं? सात है। एक पहले कौन सा है? तो सज्जनगढ़ मृग वन कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? उदयपुर में 1984 में। तो प्रथम कौन सा है? सज्जनगढ़ मृग वन स्थापना कब हुई? 1984 में। और ये क्या है? राजस्थान का प्रथम मृग वन राजस्थान का प्रथम मृग वन कौन सा है? तो सज्जनगढ़ मृग वन। और 1984 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। उदयपुर में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ मृग वन दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मृग वन कौन सा है? तो इसकी स्थापना कब हुई बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। आगे बात करते हैं तीसरा मृग वन कौन सा है? तो तीसरा मृग वन है अशोक विहार मृग वन जोधपुर में। और अशोक विहार मृग वन इसकी स्थापना 1986 में होती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे चौथा कौन सा है? तो चौथा मृग वन कौन सा है? चौथा मृग वन की बात करें तो चौथा मृग वन है संजय उद्यान मृग वन। कौन सा? संजय उद्यान मृग वन कौन सा है?
दोस्तों आगे बात करते हैं, चौथा मृग वन कौन सा है? तो चौथा मृग वन है संजय मृग वन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कब? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1986 में। अब आगे बात करते हैं पांचवा मृग वन, पांचवा मृग वन कौन सा है? माचे सफारी मृग वन है, जो कहां है? जोधपुर में। पांचवा मृग वन की बात करते हैं, पांचवा मृग वन कौन सा है? माचिया सफारी, माचिया सफारी, सफारी मृग वन, मृग वन, ये कहां पर है? जोधपुर में। कहां पे है दोस्तों? जोधपुर में, जोधपुर में ये है, ठीक है। कौन सा? पांचवा सफारी मृग वन जोधपुर में है। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1986 में हुई थी। प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान भी यहाँ यहीं पर स्थापित किया गया है दोस्तों। इसकी स्थापना 1985 में, और यहां प्रथम वनस्पति उद्यान बनाया गया, उद्यान बनाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रथम वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया गया, तो माचे सफारी पार्क मृग वन जोधपुर में, और जोधपुर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 को हुई थी। आगे बात करते हैं चट्ठा मृग वन कौन सा है? खेजड़ली या अमृता देवी मृग वन। चट्ठा मृग वन आपसे पूछ लिया जाए अमृता देवी या खेजड़ली मृग वन, या खेजड़ली मृग वन ये कौन सा है? चट्ठा मृग वन है। बात करते हैं सातवां मृग वन, सातवां मृग वन पंचकुंड पुष्कर में बनाया गया। सातवां मृग वन कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए? सातवां मृग वन तो पंचकुंड पुष्कर और कहां पे? अजमेर में बनाया गया, अजमेर में। और स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1985 में ही इसकी स्थापना हुई थी, 1985 में। तो हमने दोस्तों इस स्लाइड में क्या पढ़ा है? एक तो आखेट निषेध क्षेत्र, और एक क्या पढ़ा हमने? राजस्थान में मृग वन। तो आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान में कितने हैं? कुल आपसे पूछ लिया जाए कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। बात करते हैं सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है कोटसर रावसर, और ये पड़ता कहाँ पे है? तो कोटसर रावसर आखेट निषेध क्षेत्र पड़ता है चूरू में। बात करते हैं सर्वाधिक सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? तो कनक सागर कहाँ पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ है? तो जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर में भी कितने हैं? 7 हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान में मृग वन कितने हैं? राजस्थान में 7 मृग वन है। 7 मृग वन कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो सज्जनगढ़ मृग वन, इसकी स्थापना क्या हुई थी राजस्थान में? सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी 1984 को, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ मृग वन, ये दूसरा मृग वन है। तीसरे की बात करें अशोक विहार मृग वन, इसकी स्थापना भी कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी 1986 में। इसके बाद में बात करते हैं संजय उद्यान मृग वन, इसकी स्थापना भी कहाँ हुई? जयपुर में हुई 1986 में। आगे बात करते हैं पांचवा मृग वन कौन सा है? माचे सफारी मृग वन है, इसकी स्थापना 1985 में होती है, और यह वनस्पति उद्यान प्रथम वनस्पति उद्यान स्थापित किया गया था यहीं पे, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं चट्ठा मृग वन कौन सा है? चट्ठा अमृता देवी या खेजड़ली मृग वन, चट्ठा मृग वन है। आगे बात करते हैं तो सातवा मृग वन है पंचकुंड पुष्कर, सातवा मृग वन है जिसकी स्थापना भी कहां कब की जाती है? 1985 में, और कहां की जाती है? अजमेर में की जाती है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और कुछ आगे पढ़ते हैं अभयारण्यों में। दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान में जैविक उद्यान कितने हैं? तो राजस्थान में लिखो दोस्तों, राजस्थान में कुल 5 जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान में कितने जैविक उद्यान है? तो 5 जैविक उद्यान है। अब आपसे उनके नाम नोट करने हैं कि कौन कौन से जैविक उद्यान राजस्थान में है। तो बात करते हैं पहला जैविक उद्यान कौन सा है? तो पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, नाहरगढ़
नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। और ये कहाँ है नाहरगढ़ जैविक उद्यान है? तो जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है? जयपुर और ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में कौन सा जैविक उद्यान है? नाहरगढ़ जैविक जैविक उद्यान है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दूसरा जैविक उद्यान कौन सा है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। दूसरा कौन सा है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पड़ता है? सज्जनगढ़ कहाँ पे है? तो उदयपुर में। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जैविक उद्यान करते हैं, माचे सफारी जैविक उद्यान जोधपुर में। तीसरा जैविक उद्यान कौन सा है? माचिया सफारी जैविक उद्यान माचे सफारी जैविक उद्यान कौन सा है? तीसरा है। और ये कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। चौथा जैविक उद्यान कौन सा है? तो अभेड़ा जैविक उद्यान। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपरों में। चौथा इसके स्थान लेवल लो अभेड़ा जैविक उद्यान। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ है? तो आपसे पूछ लिया जाए कोटा में। यहीं पर ही क्या है? अबली मीणी का महल स्थित है, जिसे हाड़ौती का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा जैविक उद्यान कौन सा है? तो पांचवा है मरुधारा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। मरुधारा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ये तो क्या थे दोस्तों, पांच जैविक उद्यान थे राजस्थान में। अब बात करते हैं राजस्थान में रामसर साइट कितनी है। तो राजस्थान में कुल दो रामसर साइट है। राजस्थान में कुल रामसर साइट कितनी है आपसे पूछ लिया जाए तो दो है। ठीक है दोस्तों, रामसर साइट कौन सा क्षेत्र होता है? रामसर साइट में कौन सा क्षेत्र को शामिल किया जाता है? तो आद्र भूमि क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया जाता है। कौन से क्षेत्र को आपसे पूछ लिया जाए? आद्र भूमि क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि विश्व आद्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आद्र भूमि दिवस कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। विश्व आद्र भूमि दिवस कब मनाया गया? दो फरवरी को। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में दो रामसर साइट हैं, तो कौन कौन सी रामसर साइट राजस्थान में शामिल की गई थी? तो घना पक्षी अभयारण्य 1981 में। पहली रामसर साइट कौन सी है? पहली आपसे पूछ ली जाए घना पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में शामिल किया गया है। कब किया गया था? 1 नवंबर 1990 को राजस्थान की प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। घना पक्षी अभयारण्य को ही क्या बोलते हैं? केवला देव पक्षी अभयारण्य। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? लिख लो दोस्तों, इसी का ही दूसरा नाम केवला देव पक्षी अभयारण्य इसी का ही दूसरा नाम है केवला देव पक्षी अभयारण्य। दूसरी रामसर साइट की बात करें तो दूसरी सांबर रामसर साइट, सांबर झील को रामसर साइट में कब घोषित किया गया था? तो 1981 में बना था रामसर साइट केवला देव पक्षी अभयारण्य 1981 में। दूसरी रामसर साइट कब बनी थी? तो दूसरी रामसर साइट है सांबर झील रामसर साइट रामसर
साइट। तो सांबर झील रामसर साइट कब बनी? सांबर झील रामसर साइट बनी 1990 में। ठीक है, ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको कब पढ़ाया था, झीलों का टॉपिक मैंने पीछे ही कंप्लीट करवाया, उसमें भी मैंने बताया था कि सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया, 1990 में। और ये राजस्थान की क्या है, दूसरी रामसर साइट है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, राजस्थान में कुल कितने जैविक उद्यान है, तो राजस्थान में 5 जैविक उद्यान है। पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर ग्रामीण में स्थित है। दूसरा जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जो कहाँ है, उदयपुर में है। इसके बाद में बात करते हैं माझे सफारी जैविक उद्यान, माझे सफारी जैविक उद्यान कहाँ है, जोधपुर में है। इसके बाद में बात करते हैं अभेड़ा जैविक उद्यान, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मरुधारा जैविक उद्यान, मरुधारा जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में। आगे बात करते हैं राजस्थान में कुल रामसर साइट कितनी है, तो राजस्थान में कुल 2 रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र। आर्द्र भूमि क्षेत्र को ही किसमें शामिल किया जाता है, रामसर साइट में शामिल किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान में जो 2 रामसर साइट है वो कौन कौन सी है, एक तो घना पक्षी अभयारण्य जिसका दूसरा नाम क्या है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य। घना पक्षी अभयारण्य या केवलादेव पक्षी अभयारण्य की को रामसर साइट में कब शामिल किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो 1 नवंबर 1981 को इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। 1 नवंबर 1981 को किसे रामसर साइट में शामिल किया गया, घना पक्षी अभयारण्य केवलादेव अभयारण्य को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरी रामसर साइट कौन सी है, तो सांबर झील रामसर साइट। सांबर झील रामसर साइट दूसरी रामसर साइट के रूप में घोषित की गई थी, और कब की गई थी, 1990 में। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा, रामसर साइटों के बारे में पढ़ लिया, जैविक उद्यानों के बारे में पढ़ लिया, कृष्णा मरग वनों के बारे में पढ़ लिया, और जैविक उद्यानों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हम करेंगे जंतुआले, 5 जो जंतुआले हैं, और कितनी राजस्थान में बाघ परियोजना है, और संरक्षण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आखिर देश क्षेत्र के बारे में आज बात कर ली, कल हम बात करेंगे संरक्षण क्षेत्र, कुल कितने संरक्षण क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुल 27 संरक्षण क्षेत्र हैं, उन 27 संरक्षण क्षेत्रों के नाम भी हम लिखेंगे कि कौन कौन से जिले में कुल कितने संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली भर्तियों व कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।